अब ये शो कैसे होगा? अगर ये शो नहीं हुआ ना तो मेरा सारे महीने का हिसाब किताब बिगड़ गया समझो। तो फिक्र क्यों करती है पैरवी? तो क्या चाय जी आएंगी ना, सब कुछ ठीक कर देंगी। हेलो, हाँ जी, कपूरों का? नहीं जी, ये हमारा घर है। 236-970? हाँ जी, हाँ जी, हमारा ही नंबर है जी, बोलिए। हाँ हाँ हाँ, शादी वाले घर से फोन है, पूछ रहे हैं निकले कि नहीं निकले। अब मैं क्या बोलूं कि पहले परेशानी आई थी, अब झगड़ा आ गया, मतलब हम निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं? पगली, घर की बातें ऐसे बाहर नहीं बताते। कह दो कि बड़े वीर जी का मूड नहीं है, आपने शादी करनी है तो कर लो। ओके, हाँ जी, बात ऐसी है जी कि मैं वीरा वाली बोल रही हूँ जी। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार। नहीं नहीं, हम आ रहे हैं जी। वो क्या हुआ है कि हमारे गड्डी का बड़ा टायर पंक्चर हो गया जी। हाँ जी, नहीं नहीं, आप स्टेज से आ रखना। हाँ जी, मैं एक सवाल पूछूं, आज शाम का मीनू क्या है? असली घी की जलेबी ते रबड़ी, पिंडी छोले, अमृतसर दे कुलचे, जी जी, और अच्छा आलू गोभी दी सब्जी है भी। हाँ ठीक है जी, ते पनीर और गोभी ते कोफ्ते, हाय दिल्ली दी चाट। जैसे ही पंक्चर ठीक हो जाएगा जी, हम आपको फोन कर देंगे जी। सत श्री अकाल जी। चाय जी, आपने ये तो पूछा नहीं कि कोफ्ते में काजू होगा या नहीं। अरे तरम पुत्र, जहाँ शेक्सपियर और कबूतर दाव पे लगे हो, वहाँ पे काजू की किसको पड़ी है, है? और अरोरा जी को कौन समझाए कि इतनी सारी मिठाइयों के नाम लेकर गड्डी दे पंक्चर ठीक नहीं होंगे। अभी गड्डी को देखता हूँ जी, कैसे ठीक नहीं होती। ताल से मिला ताल, जो लड़े सो बेहाल, शेक्सपियर सोनेट 309। ये शेक्सपियर ने कहा? भूल गया, कहा नहीं था। चाय जी, मैं सोच रहा हूँ कि कबूतर की जगह मैं तोता यूज कर लेता हूँ। देखा, मैंने कहा था ना, चाय जी आएंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। चाय जी, चाय जी, कोई टायर पंचर नहीं है, गड्डी तो एकदम ठीक है। ओए बेवकूफ, गड्डी का टायर कभी पंचर थे ही नहीं। चल भाई, चल।